जनकपुर किनारे बता द बबुआ लोग वतेत काही गारी बता द बबुआ। अब लोग हमें बोलते हैं मैथिली ठाकुर टू या मिनी मैथिली ठाकुर टू, बिहार का आप लोगों को कहा जाता है। आज जो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज जो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। संस्कृत, भोजपुरी, हिंदी, मैथिली, हरियाणवी, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, असामी, ये सारे भाषाओं में अब गाना गा ले। पंजाबी वेडिंग सॉन्ग है। चिता कुकड़ बनी रीते कासनी दुपट्टे वाली मुड्डा सद के चुएला जैसे आमावा का मोजर से रस चुएला। दोस्तों अभी हमारे साथ बिहार के जिन बच्चों को आप देख रहे हैं इन्हें बिहार का मिनी मैथिली ठाकुर कहा जाता है और इनके बारे में अगर हम बात करें तो एक दो नहीं बल्कि 10 भाषाओं में गाना गाते हैं और ये दोनों जो है भाई बहन है काफ़ी सुरीली आवाज़ में ये लोग गाना गाते हैं और अक्सर इन लोगों का जो वीडियो होता है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी होते रहता है। बाकी खुद हम इन लोगों से बात करेंगे। बाबू क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नैन्सी मिश्रा सभी को। और आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सत्य मिश्रा सभी को प्रणाम। अच्छा आप कितने साल की है? 12 साल की। और आप कितने साल के हैं? 8। मैं अलग अलग भाषाओं में गाती हूँ, उसके बाद भजन गाती हूँ, लोकगीत गाती हूँ। कितने भाषाओं में आप गाना गाती है? 10 मिनिमम। 10 भाषाओं में आप गाना गा लेती है, कौन कौन से भाषा में? संस्कृत, भोजपुरी, हिंदी, मैथिली, हरियाणवी, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, असामी, ये सारे भाषाओं में आप गाना गा लेती है। कैसे सीखी हुई है आप ये सब गाना गाना? इसके लिए तो क्लास, ट्यूशन, गुरु के पास जाना होता, आप कैसे सीखी है? मैं YouTube से जो गाना मुझे अच्छा लगता है उसको थोड़ा सुन सुन के। YouTube से वीडियो देख देख के आप लोग इतना अच्छा गाना गाते हैं और आप लोगों को क्या कहा जाता है, लोग क्या कहते हैं आपको? एक्चुअली हमें लोग तो जैसे शुरू में हमारा नाम था सत्यम नैन्सी मिश्रा और अब लोग हमें बोलते हैं मैथिली ठाकुर टू या मिनी मैथिली ठाकुर टू, बिहार का आप लोगों को कहा जाता है, इतना अच्छा आप लोग गाना गा रहे हैं यही तो कारण है। अच्छा नैन्सी हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप लोग एक सुरीली आवाज के साथ एक अच्छा गाना के साथ शुरुआत कीजिए, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं मराठी सॉन्ग सुनाती हूँ। वो राम वाला सबसे पहले। हाँ कौन सा है? राम जी से पूछे। मैथिली। हाँ राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर किनारी बता द बबुआ लोग वदेत काही गारी, बता द बबुआ लोग वदेत काही गारी, बता द बबुआ लोग वदेत काही गारी, बता द बबुआ। क्या बात है, एक लाइन और थोड़ा सा इसमें से सुनाइए। पहला प्रश्न जब आता है राम जी पे, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनु से धारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनु से धारी, एक भाई गोर काही, एक भाई गोर काही, एक काही कारी, बता द बबुआ लोग वदेत काही गारी, बता द बबुआ लोग वदेत काही गारी, बता द बबुआ। वाह बहुत बढ़िया। ये कहाँ से ढोल बजाना सीखे, इतना अच्छा आप ढोल बजा रहे हैं? YouTube से। YouTube से सीखे हैं, तो कोई क्लास कोचिंग गुरु के पास नहीं गए हैं सीखने के लिए? नहीं नहीं, अभी एक महीना से एक सोनू फुलझले जी हैं, वो सिखा रहे हैं। आप 8 साल के हैं, देखने में इतने छोटे हैं, आपके जैसे बच्चे को हाथ में अगर मोबाइल दे दिया जाए तो गेम वगैरह पर ज्यादा ध्यान जाता है, लेकिन ये सब छोड़ के आप ये मतलब सीखे हैं? हाँ कुछ करेंगे तो काम का चीज, वो दिन भर ऐसे वेट वेट के उस क्या मोबाइल मिला तो गेम नहीं खेल रहे थे उससे? नहीं। आप और इसके साथ साथ क्या कर लेते हैं, ढोल बजा रहे हैं, इसके साथ और क्या करते हैं? ढोल बजाते हैं बस, और पढ़ाई भी करते हैं। अच्छा, साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखते हैं। आप सबसे ज्यादा फॉलो किस सिंगर को करती है? मैथिली ठाकुर जी। मैथिली ठाकुर का
तो उनसे कभी मुलाकात हुआ है कि नहीं आपको? हाँ हाँ हुआ है। क्या बोली आपको देखकर वो? मैं उनपे उनसे एक बार बात भी की थी। हाँ। तो बोली कि आपको देख के मेरा छोटा जो बचपन था। हाँ। वो याद आ गया। मतलब बचपना याद आ रहा है ना आपको देखने के बाद में, जिस तरीके से वो पहले गाने वगैरह संगीत गा रही थी उसी तरीके से आपका भी जो आवाज़ है वो मिलता जुलता है। जी। अच्छा, कुछ भोजपुरी में भी गाने गाती है क्या आप? हाँ। तो भोजपुरी गाना हम चाहेंगे सुनाइए। जी। पिया गईल काल का तवाए सजनी, पिया गईल काल का तवाए सजनी, ए सजनी रे, ए सजनी रे, ए सजनी रे, ए सजनी, पिया गईल काल का तवाए सजनी, पिया गईल काल का तवाए सजनी। बहुत बढ़िया, देख सकते हैं कि ये दोनों जो है भाई बहन है और दोनों मिलकर जब एक साथ गाने को गाते हैं तो मुझे लगता है कि इनके गाने के सुनने के बाद आप भी दीवाने हो गए होंगे, क्योंकि इस आधुनिक समय में आपने बहुत सारे कलाकारों का गाना सुनना होगा लेकिन इन लोगों का जो गाने का तरीका है, जो संगीत है, वो बाकी लोगों से बहुत अलग है। और क्या क्या भाषा में गाना गाती है आप? और एक मैं आपको सुनाऊंगी पंजाबी। हाँ, पंजाबी थोड़ा सा हो जाए। पंजाबी भी गा लेती है ना? हाँ। अच्छा, जिदा कुकड़ बने रे ते, पंजाबी वेडिंग सॉन्ग है। जिदा कुकड़ बने रे ते, कासनी दुपट्टे वाली ए मुड्डा सद के तेरे ते, कासनी दुपट्टे वाली ए मुड्डा सद के ऐसी। एक चीज समस्या होता है जब जो भी बच्चे छोटे होते हैं तो घर के लोग का सपना होता है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करके सरकारी नौकरी में जाए, प्राइवेट जॉब करें। ये गाना उनों को लेकर खासकर बहुत कम ही लोग हैं गांव के घर के जो सपोर्ट करते हैं। ये बताइए, आप बचपन में सोच ली थी कि मुझे सिंगर ही बनना है या फिर कुछ नौकरी वोकरी को लेकर भी था मन? इसका तो इससे 2.5 साल पहले से जो बचपन से था इसका मैं जानती भी नहीं थी कि हारमोनियम एक चीज भी होता है, पहले पता भी नहीं था। नहीं, तो ये सब मन में ख्याल कब आया कि मेरे अंदर गाने का टैलेंट है, मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? तो मेरे गुरुजी छोटू छलिया जी जो पहले सत्यम को सिखाने किए थे गायकी, तो इसका देखा देखे फिर मेरे को भी आया कि हम भी सीखें। तो सत्यम गाना भी गाते हैं क्या? नहीं, अब नहीं गाते हैं। तो पहले गाते थे। थोड़ा एक लाइन गाना सुनाइए आप भी, थोड़ा समझाएंगे कि खाली ढोल वोली बजाइएगा, गाना भी एक सुनाइए आप थोड़ा। मैं गाना नहीं गाता। नहीं तो एक लाइन सुनाना है जो सबसे पसंदीदा आपका गाना होगा बॉलीवुड में, कुछ में भी। हाँ, कुछ में भी। हम ऐसे गाते तो नहीं है। हाँ, गाते नहीं है पता है हमको, लेकिन एक लाइन आपको तब भी सुनाए। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। लाल लाल ओठावा से बरसे ललैया हो की रस चुएला, हो की रस चुएला, जैसे आमावा का मोजर से रस चुएला, हो की रस चुएला, जैसे आमावा का मोजर से रस चुएला, हो की रस चुएला। बहुत बढ़िया, ये लता मंगेशकर जी का गाना है। हाँ, पुराना। काफी पुराना गाना है। यूट्यूब या फिर फेसबुक कहीं आप लोग अपलोड भी करते हैं क्या? हाँ। अगर लोग जो लोग भी देख रहे हैं और भी गाने आपका सुनना चाहते हो तो आपके सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोग सुन सकते हैं। क्या नाम है? फेसबुक पे नाम है नैंसी मिश्रा। हाँ, और यूट्यूब पे? यूट्यूब पे सत्यम नैंसी मिश्रा। अच्छा, तो यहाँ आप लोग वीडियो वगैरह अपलोड करते रहते हैं हमेशा बना के। एक गाना आपने कोई बिटिया के ऊपर, दहेज के ऊपर कुछ सुना रहे? बेटे का सम्मान है जग में, बेटी
कोई माने नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं, बेटी का सम्मान है जग में बेटी का कोई माने नहीं, मुझे बताओ दुनिया बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक सुनाती हूँ विवाह गीत है मैथिली में। आज यो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज यो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, माथे मोड़ी मोड़िया कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी कजेरारी जुल मीनाया नवा, आहे लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया, आहे लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। क्या बात है, आपने अभी तक बहुत से लोगों को गाना गाते हुए देखा होगा, लेकिन इन लोगों का जो आवाज़ है वो बाकी लोगों से काफ़ी अलग है। यही कारण है कि ये दोनों छोटे छोटे भाई बहनें जो हैं जब गाना गाते हैं तो इनको बिहार का मैथिली ठाकुर 2 कहा जाता है। बाकी हमारे साथ आप दोनों भाई बहन जुड़ी, इतनी अच्छी आप लोग गाना गा रही है, इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी से निवेदन है कि मेरे पेज को फॉलो कीजिए, और इनके पेज को भी जाके जरूर से फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं, जब ये लोग कहीं ना कहीं समाज के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छा संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी दायित्व है कि इन लोगों को सपोर्ट करें ताकि ये लोग आगे बढ़े और ये बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का जो नाम है वो रोशन करें।